पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो आपको खा ही जाएगी। क्या सिर्फ दलित और मुस्लिम सिर्फ राजनीति का एक मोहरा है? भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग भी तो तेरा दलित और मेरा दलित देखकर काम करते हैं। बस सत्ता की मलाई चाहिए दलितों के नाम पर। दलितों का स्कूल बैग भी अलग, दलितों की थाली भी अलग। जय भीम साथियों, भीम सेना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट शबनम खान जी से, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमेशा से काम करती रही हैं और महिलाओं की बुलंद आवाज़ के लिए हमेशा काम करती रही हैं। मैम, जो दलित महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनके खिलाफ आए दिन खबरें आती हैं कि शोषण है, मर्डर है, फिर रेप हो जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप दलित को लेकर? कहाँ हैं दलित नेता जो अपने आप को दलितों का मसीहा बता बता कर इतने सालों सत्ता की मलाई खाते रहते हैं? कहाँ हैं वो सारे नेता? क्यों आज भी दलितों को दबाया कुचला जाता है? क्यों दलित बहन के साथ कुछ हो जाता है तो सारे लोग उस पर राजनीति भांजते हैं, लेकिन मैं दलित नेताओं को देखती हूँ वो नहीं आते हैं कहीं, उस परिवार के साथ भी नहीं खड़े होते हैं। क्यों नहीं खड़े होते हैं? बस सत्ता की मलाई चाहिए दलितों के नाम पर। तो उन नेताओं को भी तो कहीं ना कहीं बाहर आना पड़ेगा। आप और हम लड़ाई लड़ने पहुँच जाते हैं इतनी दूर दूर से। जयपुर में एक बार एक दूल्हे को, दलित भाई को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया था, हम यहाँ से गए उसके लिए लड़ने। कहाँ थी बहन जी, कहाँ हैं ये सब लोग? चंद्रशेखर आज़ाद तो अभी की नई नई पौध हैं, वो तो अभी सीख रहे हैं राजनीति किस तरह से की जाएगी, लेकिन दलितों के लिए लड़ने का दम किसी के अंदर नहीं है। हाँ, जो सालों से दलितों की वोट ले रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश हैं, जो सालों से चली आ रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग भी तो तेरा दलित और मेरा दलित देखकर काम करते हैं। मेरी पार्टी का दलित है, मुझे फ़ायदा आएगा इससे वोट बैंक का, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, और तेरा दलित है तो तू जा। ये क्या है? बहन बेटी सबकी बहन बेटी होती हैं। जब किसी बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, जब किसी बेटी के साथ कोई किसी तरीके का अपराध हो जाए, तब भी आप ये चीज़ें देखते हैं कि क्योंकि वो उसका व्यक्ति है इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो ये सब किसने बना रखा है? आप और हम आवाज़ उठाते हैं, मीडिया हमारी बड़ी आवाज़ बनता है जो न्याय दिलाने का भी काम करता है, लेकिन क्या हमारे नेता जिन्हें हमने चुन चुन के वो मलाईदार कुर्सियों पर बिठाया, मुख्यमंत्री बनाते हैं हम उन्हें, प्रधानमंत्री बनाते हैं हम उन्हें, क्या करते हैं वो लोग हमारे लिए? तो कहीं ना कहीं नेताओं को भी तो संवेदनशील होना पड़ेगा इन सब मुद्दों पर। क्या सिर्फ दलित और मुस्लिम सिर्फ राजनीति का एक मोहरा है? आप दलितों को पिछड़ा बता बता कर सिर्फ वोट बैंक लेते हैं उनकी, अपलिफ्ट कौन करेगा उन्हें? आपको उन्हें ऊपर भी तो उठाना पड़ेगा ना, आपको उसके लिए भी तो काम करना पड़ेगा। दलित, मैं तो मायावती जी को देखती हूँ, जब उनकी सत्ता चली जाती है वो तो बिल्कुल आँख पर पट्टी बांध कर बैठ जाती हैं। मैंने आज तक बहन जी को किसी दलित के लिए कहीं खड़े हुए नहीं देखा, और उनकी पार्टी में तो आप धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं किसी के लिए बिना बहन जी के पूछे। तो ये किस तरीके की राजनीति है? मतलब आपको कुर्सी पर होंगी तो आप झूठा झूठा दलित दलित दिखाएंगी? तो नेताओं को जागरूक करने की ज़रूरत है। आप और हम तो जागरूक हैं, आप और हम तो लड़ाई लड़ते हैं हर एक की, लेकिन ये जो नेता हैं जो बैठ कर मलाईदार कुर्सियों पर बैठ कर मज़े मारते हैं, वो दलितों के लिए करते क्या हैं? यूपी के मैनपुरी में कुछ दिन पहले की घटना है, जहाँ के स्कूल में स्वर्ण बच्चे अपनी थाली अलग, बर्तन अलग और दलित बच्चे अलग, तो कहीं ना कहीं देखते हैं ये छुआछूत का जो डिस्क्रिमिनेशन है। ये किसने चला रखा है? और अगर ऐसा चल रहा है तो अभी तक वो जेल की सलाखियों के पीछे क्यों नहीं है? कौन पकड़ेगा उन्हें? कौन कर रहा है स्कूल में ऐसा? कौन हमें ऐसी शिक्षा दे रहा है गलत कि दलितों का स्कूल बैग भी अलग, दलितों की थाली भी अलग? कौन शिक्षा दे रहा है ये टीचर को? अगर कोई टीचर इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, क्या आपने सज़ा मिलते देखा है अभी तक किसी टीचर को? ऐसे पिछले बहुत सारे इंसिडेंट हुए इस तरीके के, जब दलित बच्चों की लाइन भी अलग लगवा दी गई कि आप ये टाट की पट्टी ये वाली आपकी है, आप इस पर बैठेंगे, और जो ब्राह्मण होंगे वो इधर बैठेंगे। कौन सिखा रहा है? कौन जहर बो रहा है ये बच्चों के दिमाग में? बड़ों के दिमाग में तो बोते ही थे, आप बच्चों के दिमाग में भी बोने लगे। तो मैं बोल रही हूँ कि शासन और प्रशासन क्या करते हैं फिर हमारे? अगर और विपक्षी तो मैं शून्य देखती हूँ, कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाते किसी चीज़ के लिए। जब तक उन्हें पॉलिटिकल फ़ायदा ना नज़र आए, मैं किसी भी विपक्षी नेता को जाते हुए नहीं देखती हूँ किसी भी बात के लिए। हाँ, निजी कोई फ़ायदा आ रहा होगा तो फटाफट वहाँ पहुँच जाएंगे। सिर्फ राजनीति भांजने के लिए नहीं आपको चुना है, आप सिर्फ राजनीति भांजने के लिए नेता नहीं बनते हैं। आप उन बड़ी बड़ी कुर्सियों पर हम आपको इसलिए नहीं बिठाते, हम अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आपको बिठाते हैं। हम जो दलित हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, गरीब हैं, हम उन्हें ऊपर कैसे लाया जाएगा, समाज की मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाएगा, इसके लिए आपको बिठाते हैं कुर्सियों पर। लेकिन आप कहीं ना कहीं सिर्फ हमसे खिलवाड़ करते हैं। तो जनता, आप और हमें जागरूक होना पड़ेगा
कि ये सब लोग जो आते हैं वोट बैंक की तरह हमारा इस्तेमाल करने, हमें इनको भी तो आईना दिखाना है, या दलित और मुसलमान सिर्फ पिटता रहेगा, पिछड़ा रहेगा और ये सब लोग मज़े करके वोट ले लेके हमारी सत्ता में बैठते रहेंगे। तो मेरा आखिरी सवाल, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान दिया, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन अभी भी दलित को वो इक्वलिटी नहीं मिल रही है जो उनको चाहिए, तो अभी इस देश में दलित किस स्थान पर खड़ा है मैम? देखिए, मुस्लिम तो दलितों से भी पिछड़ा हुआ है, तो मेरा, मेरे से तो ऊपर ही है आपका स्थान अभी, क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम दलितों से भी पिछड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दलित हमसे तो थोड़े ऊपर हैं, लेकिन सिर्फ राजनीति अगर उनकी वोट ना हो, अगर हमारी वोट ना हो, तो मुझे लगता है ये जितना हमें थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं उतना भी ना पूछते। आज आपको हमें जागरूक होकर, एकजुट होकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जब ये जो आंखें मूंदे सत्ताधारी हमें देख रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, ये तो दलित पिछड़े लोग हैं, आ जाएंगे फिर वोट दे जाएंगे हमें, हमें हमारी जाति का भी व्यक्ति ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है या नहीं, हमें ये भी देखकर वोट डालनी पड़ेगी। हमें किसी के पीछे आंखें मूंद कर नहीं जाना पड़ेगा कि हमने तो आंखें मूंदी हम, या फिर हम एक झंडा या एक बैनर के पीछे ही चलना चाहते थे। अब अगर चंद्रशेखर एक नया रूप लेकर उभर रहे हैं, मायावती जी के अलावा अगर मैं कोई दलित नेता देखती हूँ तो, लेकिन क्या हमें वो वाली नैया पार करा पाएंगे जो आप और हम उनसे आशा कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि अभी उन्हें एक तो राजनीति की समझ नहीं है चंद्रशेखर भाई को, और दूसरा जब वो दलितों के लिए बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीति की गंध ज़्यादा आती है। उनको राजनीति साइड में रख के अगर मुझे मुस्लिम या दलितों पर काम करना हो या हिंदू भाइयों पर काम करना हो, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि राजनीतिक लबादा ही ओढ़ कर करूँ। आप सशक्त हैं, आप जेल जाने से भी नहीं घबराते हैं, आप किसी चीज़ से नहीं घबराते, तो फिर दलितों के लिए कुछ बीड़ा उठाइए, कुछ आगे लाने का प्रयास करिए, उन्हें सरकार से लड़िए। सरकारों के पास हमारे लिए बहुत कुछ आता है लेकिन ज़मीन पर नहीं पहुंच पाता है। दलितों के लिए भी सरकार बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती हैं, दलितों के लिए आयोग भी बना हुआ है, लेकिन न्याय कहाँ मिल पाता है? क्योंकि इतना लंबा जो रास्ता कानून की तरफ जाता है वो रास्ता बहुत लंबा है। गरीब है, पिछड़ा है, उसके पास पैसा नहीं है लड़ाई के लिए। एक पार्टी आती है हैदराबाद से, असदुद्दीन ओवैसी, जो मुस्लिम के हितैषी माने जाते हैं, और वो कहते हैं कि हम दलित मुस्लिम को साथ लेकर चलेंगे। देखिए, ओवैसी को क्या प्रॉब्लम है कि हमेशा ऐसी बात कहना जिससे मुसलमान कहीं ना कहीं गर्त में चला जाए। आप कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, तो आप इतना गलत संदेश देते हैं। कहते सिर्फ ओवैसी है लेकिन बदनाम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो जाती है। हर कोई आज हिंदू भाइयों को मैं देखती हूँ कि नफरत कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ मुसलमानों के साथ इतना गुस्सा हो गए हिंदू भाई? ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि हमसे ऐसी क्या गलती हो रही है कि हमारे भाई हमसे नाराज़ हैं। मेरा कोई भाई हमसे, मेरे आप भाई हैं, आप नाराज़ होंगे तो पहले मुझे अंदर झांकना पड़ेगा, आप मेरी किस बात से नाराज़ हुए? तो मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी तो यहाँ हमारे देश में दलितों की राजनीति, मुस्लिम की राजनीति, ब्राह्मण्स की राजनीति, जाट की राजनीति, गुजर की राजनीति, भारतीयों की राजनीति कोई नहीं करता है। इस देश को आगे एकजुटता के साथ कैसे लेके चला जाएगा, इसकी राजनीति कोई नहीं करता है। तो आज अगर एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं हर एक के हाथ में एक धार्मिक किताब, कुरान या गीता या जो भी है, बाइबल हो चाहे, और एक तरफ आपको ज्ञान की चीज़ें, विकास की बात, एक तरफ आपको शिक्षा की तरफ लेकर जाऊंगा, क्या बुराई है? हाथ में हाथ दीजिए उनके, चलिए उनके साथ। आपने सबसे, आप सबका देख कर ही आए ना, आप सबके मार खाकर आए हुए लोग हैं, आपको तो घबराना ही नहीं चाहिए। दीजिए प्रधानमंत्री के हाथ में हाथ, हो सकता है यहीं से हमारा कुछ आगे नया प्रवास हो, कुछ हमारे को नई दिशा मिले। तो हमें इतना डरा रखा है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कि दलितों के लिए तो सिर्फ बहन जी ही हैं। क्यों बहन जी क्यों हैं? शबनम खान क्यों नहीं हैं? क्यों कोई और पार्टी नहीं खड़ी हो सकती है उनके लिए? और मुसलमानों को डरा रखा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो आपको खा ही जाएगी। किसने खाया हमें? मुसलमान इस देश में रौब से रहता है, मुसलमान इस देश में छाती चौड़ी करके घूमता है, अल्पसंख्यक होके छाती चौड़ी अल्पसंख्यक की रहती है, बहुसंख्यक डर रहा होता है कहीं अल्पसंख्यक को कुछ कह दिया तो मेरे वाट लग जाएगी। ये मैं साधारण शब्दों में बता रही हूँ आपको। तो हम सब में इतना प्रेम प्यार है, कौन डाल रहा है हमारे अंदर ये सब चीज़ें? हमें ऐसे नेताओं से भी बचना होगा, ऐसा कोई
देश का कोई व्यक्ति आके अगर आपसे धर्म की बात करने लगे कि देखिए वो फलां धर्म खराब है, धर्म कोई ख़राब नहीं होता, व्यक्ति विशेष कोई ख़राब हो सकते हैं कि जो अपराधी है, जो अपराध कर रहे हैं, और अगर वो स्पेशल कम्युनिटी से आ रहे हैं कहिए कोई बात नहीं, लेकिन जो अपराध कर रहे हैं सिर्फ उन्हें ही कहिए। धर्म कोई ख़राब नहीं होता, हर धर्म ने अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, हर धर्म सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है, हर धर्म सिखाता है चोरी, हत्या, बलात्कार, किसी की चीज़ पर नज़र रखना, ये सब गलत है, शराब पीना हराम है, हर धर्म यही बताता है। तो धर्म कोई ख़राब नहीं है, आप और हम अगर उस कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए, हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं तो आपको बोल रही हूँ आप अपना ये चैनल लेकर गली गली जाइए और जितना ज़्यादा आपके, हमारी कोशिश है, जितना लोग आपके माध्यम से आवाज़ पहुँचाएंगे, मुझे लगता है एक नई बयार आएगी और एक नई दिशा की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए।